स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग वन में लेबलिंग चैप्टर हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हमें लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था लेबलिंग के बारे में, जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, जहाँ हमारा डंपी लेवल है, डंपी लेवल के बारे में हमने जाना, क्या पार्ट्स रहते हैं डंपी लेवल की। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लेवल स्टाफ की, तो लेवलिंग स्टाफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, किस तरह के जो लेवलिंग होती हैं, ठीक है जी, जो लेवलिंग स्टाफ होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ, ठीक है। तो लेवलिंग स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर लेवलिंग पर्पस, तो एक ग्रेजुएटेड रोड फॉर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है जी, जो पॉइंट्स होंगे जब किसी भी एक लाइन से, जो हमारी सर्वे लाइन रहेगी, ठीक है जी, लाइन ऑफ साइट रहेगी, उसके अबव और बिलो कोई जो हमारे वर्टिकल डिस्टेंसेस रहेंगे उसकी, जब हम वर्टिकल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं वो किसके कहते हैं, लेवलिंग स्टाफ। एक ग्रेजुएटेड हमारी रोड होती है उसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ, ठीक है जी। तो क्या है, एक ग्रेजुएटेड रोड यूज फॉर ग्रेजुएटेड रोड यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द वर्टिकल डिस्टेंसेस, distances of points above or below the line of sight, लेवलिंग स्टाफ के ग्रेजुएटेड रोड है वो यूज करते हैं ऑब्जर्विंग द वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स बिलो एंड अबव द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट इज नोन एज लेवलिंग स्टाफ। तो लेवलिंग स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा एक ग्रेजुएटेड रोड है, जिसपे क्या ग्रेजुएशंस क्या होती हैं, मार्क्ड होती हैं, और उस पर जो हमारी लाइन ऑफ साइट रहती है टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो लाइन ऑफ साइट होगी उसके अबव पॉइंट रहेंगे, तो लेवल रहेगा जिस पॉइंट्स का, जो अबव रहेगा जो लाइन ऑफ साइट के बिलो रहेगा, तो उसको वर्टिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट एक लेवलिंग स्टाफ यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। तो लेवलिंग स्टाफ यहाँ पे हम जो है दो टाइप्स के हम लेवलिंग स्टाफ यूज करते हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ टू, ठीक है जी, लेवलिंग स्टाफ आर ऑफ टू टाइप्स, लेवलिंग स्टाफ आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है जी। तो दो हम क्लासिफाई करते हैं लेवलिंग स्टाफ को दो तरीके से, एक तो हमारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ होते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे सेल्फ रीडिंग स्टाफ, और दूसरा हमारा क्या होता है टारगेट स्टाफ। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होगा और टारगेट स्टाफ क्या होगा, इसके हमें हल्का सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है जी। तो इसके बारे में जानते, तो हमारे सेल्फ रीडिंग स्टाफ भी होते हैं वो कई तरफ अदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हम बात करें सेल्फ रीडिंग स्टाफ की रूड की पैटर्न जो हमारे रहते हैं, या रूड की पैटर्न या वन लेंथ स्टाफ रहते हैं उनको हम रूड की पैटर्न स्टाफ भी बोल देते हैं, या प्रसाइज जो हमारे मैथड रहते हैं, या हम बात करते हैं जो
स्टाफ की इनवार प्रिसीजन स्टाफ, टेलीस्कोपिक फोल्डिंग वन पीस, तो ये सारे के सारे जो स्टाफ हैं हम उनको अलग फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम दो टाइप्स की बात करते हैं, सेल्फ रीडिंग स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ, और दूसरे क्या होते हैं हमारे टारगेट स्टाफ। तो होते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ और सेकंड वन क्या है टारगेट स्टाफ। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्फ रीडिंग स्टाफ की, ठीक है जी। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होते हैं, जो हमारे लेवलिंग स्टाफ हैं, सेल्फ रीडिंग स्टाफ उन स्टाफ को बोलते हैं जो जिसपे डायरेक्टली जो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय लेवल मैन, जो हम डायरेक्टली जो ग्रेजुएशन होंगी उनको ऑब्जर्व करेंगे बाय लेवल मैन। एक स्टाफ मैन जो होगा वो उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा उसको, हम क्या बोलते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ। वो खुद जब वो करेगा रीडिंग करेगा उसके, ऑब्जर्व करेगा पॉइंट्स को, ठीक है जी, नाइन ऑफ साइड के अबव और बिलो, ठीक है जी। डायरेक्टली जब हम करते हैं ऑब्जर्व हमारे पॉइंट्स के बिलो और अबव, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है जी। तो इसके बारे में जान लेते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता क्या है। द स्टाफ विच कैन बी रीड डायरेक्टली, द स्टाफ विच कैन, द स्टाफ विच कैन रीड, कैन बी रीड डायरेक्टली, रीड डायरेक्टली, read directly by the level man through, by the level man through, by the level man through the telescope of the level, telescope of the level is known as सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है जी। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या है, द स्टाफ विच कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द लेवल मैन थ्रू द टेलीस्कोप ऑफ द लेवल, ठीक है जी। टेलीस्कोप की हेल्प से हम जब एक डायरेक्टली लेवल मैन के द्वारा क्या कर देते हैं, जो पॉइंट्स होंगे लाइन ऑफ साइट के अबव और बिलो उसको ऑब्जर्व किया जाता है डायरेक्टली लेवल मैन के द्वारा, तो हम क्या बोलते हैं उस तरह की स्टाफ को हम क्या बोलते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है जी। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है इसकी बहुत सारी फॉर्म है, ठीक है जी। जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ रहते हैं उसकी बहुत सारी आगे फॉर्म है जो हम बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है जी। जो अवेलेबल है तो बहुत कॉमन फॉर्म रहती है हमारे जो यूज करते हैं। तो हम सेल्फ रीडिंग स्टाफ को अगर फर्दर अगर बात करें तो कौन कौन सी जो कॉमन हमारे लेवलिंग स्टाफ रहते हैं, सेल्फ रीडिंग स्टाफ रहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम वन लेंथ जो हमारा रहता है, वन लेंथ स्टाफ जिसको हम रूड़की पैटर्न स्टाफ बोलते हैं, ठीक है जी। और दूसरे जो है जो प्रिसाइज प्रिसीजन स्टाफ रहते हैं, वेरी प्रिसीजन, और हमारे फोल्डिंग स्टाफ है, ठीक है जी। सारे के सारे स्टाफ हैं हम एक ही करके इनको डिस्कस करते हैं, ओके। बात करते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ की। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है हमारा स्टाफ क्या होते हैं, अभी हमने जाना द स्टाफ विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय लेवल मैन। जब हम डायरेक्टली पॉइंट्स को क्या करते हैं लेवल मैन के थ्रू क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है बाय द टेलीस्कोप ऑफ द लेवल, इज नोन एज सेल्फ रीडिंग स्टाफ, ठीक है जी। तो जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ रहते हैं तो इनमें बहुत सारी जो फॉर्म है लेवलिंग स्टाफ की, देर आर वेरी वेरियस फॉर्म ऑफ द लेवलिंग स्टाफ, ठीक है जी। देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लेवलिंग स्टाफ,
There are many forms of leveling staffs. ठीक है जी, तो leveling staff की बहुत सारी form रहती हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कौन कौन सी form रहेंगी. Available but the following are the common. तो कुछ common हम यहाँ पे use करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रूट की पैटर्न और वन लेंथ स्टाफ होता है वो क्या रहेगा, क्योंकि ये सारे सेल्फ रेटिंग स्टाफ है. ठीक है जी, रूट की पैटर्न और वन लेंथ स्टाफ, रूट की पैटर्न एंड वन लेंथ स्टाफ. इस तरह के स्टाफ जो यूज करते हैं, रूट की पैटर्न हो गया और वन लेंथ स्टाफ रहेंगे, ये सारे के सारे जो पैटर्न है स्टाफ हैं, तो इनकी कुछ सेल्फ रीडिंग स्टाफ है ये. ठीक है जी, सॉप विथ टेलीस्कोप स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ जो ISI स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, तो SI स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम फोल्डिंग स्टाफ को देखेंगे कैसे होंगे, स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे इसकी. ओके, तो इनवार प्रेसिजन स्टाफ रहते हैं, तो सारे के सारे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट की पैटर्न एंड वन लेंथ स्टाफ की. तो द स्टाफ विल बी मेड फ्रॉम प्रॉबली सीजनड वुड आइदर बाय द पाइन और देवदार. तो इस तरह की जो हमारे रूट की पैटर्न एंड वन लेंथ स्टाफ रहते हैं, इस तरह के जो स्टाफ हैं इसको देवदार या पाइन वुड से बनाया जाता है. जो वेल सीजनड वुड रहती हैं, जो टिम्बर रहती हैं, उनकी हेल्प से हम इनको बनाते हैं, जो रूट की पैटर्न और वन लेंथ स्टाफ होते हैं. इसमें कुछ ध्यान रखना है, 3 मीटर लेंथ की ज़्यादातर हम इस तरह के जो स्टाफ होते हैं वो होते हैं. इट इज़ यूजुअली 3 मीटर लेंथ. ठीक है जी, इसका कुछ मेन जो पॉइंट है हमें पता होना चाहिए. इट इज़ यूजुअली 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर इन लेंथ. ठीक है जी, ये क्या है, 3 मीटर की लेंथ में हमें मिलते हैं जो रूट की पैटर्न एंड वन लेंथ स्टाफ रहते हैं. इट यूजुअली 3 मीटर इन लेंथ. ठीक है जी, तो लेंथ रहती है 3 मीटर रहेगी और 75 mm इन विड्थ एंड 25 to 40 mm इन थिकनेस. तो थिकनेस जो रहेगी वो कितनी रहेगी इसमें, इट इज यूजुअली 75 mm इन विड्थ, 75 mm इन विड्थ, 75 mm इन विड्थ एंड 20 to 40 mm क्या रहेगी इसकी थिकनेस रहेगी, 25 mm टू 40 mm इन थिकनेस, 25 mm टू 40 mm इन थिकनेस. ठीक है जी, तो ये हमें याद रखनी, इसके जो वन लेंथ स्टाफ होते हैं इसमें 3 मीटर लेंथ रहेगी और 75 mm विड्थ और 25 to 40 mm इसकी क्या रहेगी, थिकनेस रहती है. ठीक है जी, हर मीटर लेंथ जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है. ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. ठीक है जी, तो हर एक मीटर लेंथ, क्योंकि ये 3 मीटर लेंथ की है, तो हर एक मीटर लेंथ 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरह की स्टाफ में. और ये जो पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, तो ये भी आगे फर्दर डिवीजन्स होती हैं. वो कितने कितने की डिवीजन होती है वो भी हम बात करते हैं. ठीक है जी, तो इट इज 4 मीटर जो हमारी क्या रहती है, ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड टू 10 पार्ट्स, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 decimeter. तो हर एक पार्ट किसके इक्वल है, 1 decimeter के. ठीक है जी, ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 1 पार्ट इज डिवाइडेड इनटू Each part is equal to 1 decimeter. Each part is divided
into 1 decimeter. तो 1 decimeter का एक पार्ट रहता है इसमें, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो 1 decimeter है, क्योंकि हर एक 10 पार्ट है, एक पार्ट कितने का है, 1 decimeter का है। तो फर्दर अगर हम बात करें, वो भी हमारी divisions रहती है, हर एक जो 1 decimeter is further graduated into 20 divisions, ठीक है जी। 1 decimeter is further divided into 20 divisions, ठीक है जी। इस तरह के स्टाफ में क्या रहती है हमारा, 1 decimeter जो है वो क्या है, फर्दर 20 divisions आगे क्या है, डिवाइड करता है। तो ये जो एक डिवीजन है वो कितने की रहती है, ये देखते हैं, ईच बीइंग ऑफ 5 होगा, ईच बीइंग ऑफ 5 mm, एक जो डिवीजन रहेगी इसमें क्या रहेगी, 5 mm की रहेगी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। द डिवीजन आर अल्टरनेटली पेंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट, द डिवीजन आर painted alternately painted painted in black and white, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में alternately इसको क्या किया जाता है, जो डिविजन्स रहेंगे उनको पेंट किया होता है, ठीक है जी। इस तरह के स्टाफ में the division alternately painted in black and white, every decimeter length is figured with the corresponding numerical in black, each meter numerical is written in red, ठीक है जी। तो हर एक जो decimeter है वो figured out की जाती है, तो वो black color में होगी, और जो हमारी हर एक numerical जो रहेंगी उसमें numerical value रहती है, तो वो red में mark की जाएगी, और letter जो होंगे उसमें meter लिखे जाएंगे, और अपोजिट साइड भी होंगे। तो इस तरह की जो वन लेंथ स्टाफ रहते हैं उसमें इस तरह की जगह है ग्रेजुएशन अकर्ड होती है, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इट इज यूजुअली 3 meter इन लेंथ। तो ये क्या है, जो हमारा वन जो रिड़की पैटर्न है, जहाँ वन लेंथ स्टाफ जिसको बोलते हैं, इस तरह के स्टाफ जो होते हैं वो हमारे क्या है, 3 meter लेंथ के स्टाफ रहते हैं, और इनकी जो विड्थ रहती है वो कितनी है, 75 mm विड्थ रहती है, और 25 टू 40 mm क्या रहेगा इसका, 25 टू 40 mm हमारी इसमें जो हमारे 25 टू 40 mm जो रहेगी थिकनेस रहेगी। और इसकी बात करते हैं, जो ये हमारा जो 1 meter लेंथ है, क्योंकि 3 meter, तो 1 meter लेंथ 10 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होती है, तो ये जो डिवाइडेशन है वो 10 पार्ट्स में है, तो एक जो पार्ट रहेगा वो 1 decimeter का रहेगा। तो एक अगर फर्दर हम डिवाइडेशन की बात करें, तो फर्दर डिवाइडेशन होती है 1 decimeter की, वो 20 डिवीजन्स में हम फर्दर डिवाइडेशन करते हैं, तो वो 20 डिवीजन्स है, तो एक डिवीजन 5 mm की रहती है। और इसमें जो अल्टरनेटली जो डिवीजन्स हैं, तो इनको अल्टरनेटली क्या किया जाता है, कलर्ड किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो एक वाइट एक ब्लैक, वाइट ब्लैक वाइट, इस तरह से क्या होती है, डिवीजन्स होती हैं। जो हमारा पार्ट्स हैं, तो इनको हमने ब्लैक कलर में क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, और जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती हैं उनके हम रेड कलर में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये वन लेंथ हमारा स्टाफ रहते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोटेक्ट ऑफ एंड स्टाफ ब्रास हील्स, तो इसको एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस तरह के जो हमारे वन लेंथ स्टाफ होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रास एंड्स पे ब्रास हील फिक्स की जाती है, ताकि ये इसका जो है उसकी प्रोटेक्शन की जा सके, ये क्या ना हो, ये हमारे कोई अनएक्यूरेट जो हमारी वैल्यूज हैं वो ना दे पाए। तो इसलिए जो हमारे क्या वन लेंथ स्टाफ इस तरह से इसकी क्या रहेंगी, कुछ ग्रेजुएशन रहेंगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रुड़की पैटर्न के बाद, हमारा जो नेक्स्ट स्टाफ रहता है फोल्डिंग स्टाफ है, ठीक है जी, इनवार प्रोसीजन स्टाफ है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, और क्या इनकी ग्रेजुएशन रहती है, और कितनी लेंथ रहती है, विड्थ रहती है, इसके बारे में भी
जानना चाहिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारा सॉप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ। सॉप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ। ठीक है जी, तो टेलीस्कोपिक स्टाफ क्या है इसके बारे में जाना है। तो इस तरह के जो स्टाफ हैं ये अरेंज थ्री टेलीस्कोपिक लेंथ जो है हमारे स्टाफ एंड अरेंज्ड इन थ्री टेलीस्कोपिक लेंथ। तो इस तरह के स्टाफ को हम थ्री टेलीस्कोपिक जो लेंथ है थी इसमें हम अरेंज करते हैं सॉप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ को। तो इसके बारे में जानते हैं, स्टाफ रेट स्टाफ इज आल्सो नोन एज टेलीस्कोपिक स्टाफ भी इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिक स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ भी इसका नेम है। तो ये भी बात आप ध्यान रखो। तो इस तरह के स्टाफ जो है जिसमें क्या है, इसमें ये भी एक तरह का क्या है, फोल्डिंग टाइप ही रहता है जिसकी 4 मीटर लेंथ रहती है। इट इज 4 मीटर इन लेंथ। ठीक है जी, इट इज 4 मीटर इन लेंथ। ठीक है जी, जो हमारा टेलीस्कोपिक स्टाफ रहता है ये 4 मीटर लेंथ रहती है। ओके, दस 4 मीटर लेंथ एंड व्हेन फुली एक्सटेंडेड। जब इसको फुली एक्सटेंडेड, क्योंकि ये क्या है इस तरह से, ये क्या है एक फोल्डिंग स्टाफ भी है। जो हमारा टेलीस्कोपिक स्टाफ है ये फोल्डिंग स्टाफ भी है, इसको बातें तो इसकी 4 मीटर लेंथ हो। जब इसको फुली हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये 4 मीटर की फुली जिसकी क्या है लेंथ होती है। ठीक है जी, तो इसकी और बात करें तो इसकी टॉप पोर्शन ऑफ द लेंथ कितनी थी, 1.25 मीटर टॉप पोर्शन ऑफ द लेंथ। द टॉप पोर्शन ऑफ द लेंथ is 1.25 meter। तो 1.25 meter की जो top portion है जो हमारी क्या होती है fold हो जाती है। ठीक है जी, तो top portion जो रहेगी इसकी कितनी है 1.25 meter की रहती है इस तरह के staff में, telescopic staff में in length। The central जो हमारी length when in a solid piece is a solid piece। सॉलिड पीस 1.25 meter इज ए सॉलिड पीस एंड स्लाइड्स इनटू द सेंट्रल बॉक्स ऑफ वन पॉइंट टू फाइव मीटर इन लेंथ। जो हमारा सेंट्रल बॉक्स रहेगा इसमें 1.25, द सेंट्रल बॉक्स इन टर्न स्लाइड्स इनटू द लोअर बॉक्स। जो सेंट्रल बॉक्स है इसका जो टेलीस्कोपिक स्टाफ रहता है, द सेंट्रल बॉक्स इन टर्न स्लाइड्स, द सेंट्रल बॉक्स इज टर्न्स स्लाइड, टर्न स्लाइड्स into the central box, into the lower box of, into the lower box of 1.5 meter length। ठीक है जी, 1.5 meter length। और इसकी जो length है, width है, वो कितनी रहेगी, 10 centimeter wide रहेगा जी, 10 centimeter in width। ठीक है जी, इस तरह के स्टाफ जो है वो क्या रहते हैं, 10 centimeter क्या रहेगी इसकी width रहेगी। ठीक है जी, एंड 6 to 7 centimeter deep, एंड 6 to 7 centimeter deep। तो जो deep है कितना है, 6 to 7 meter रहेगा। The graduations are made in same manner as in the case of one length स्टाफ। ठीक है जी, जैसे वन लेंथ स्टाफ है उसी तरह से इसकी जो ग्रेजुएशन है वो मार्क्ड होती है टेलीस्कोपिक स्टाफ पे। ठीक है, द ग्रेजुएशन आर मेड इन द
graduations are made in the telescopic staff as same made in the same manner as the one length staff. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखनी है आपने। तो ये 5 मीटर लेंथ का एक, सॉरी 4 मीटर लेंथ का है टेलीस्कोपिक स्टाफ होता है, और जो टॉप पोर्शन है वो 1.25 मीटर की रहती है, जिसकी टॉप पोर्शन जो फोल्डिंग, ये इस तरह के ये क्या है जो स्टाफ है, ये फोल्डिंग स्टाफ भी है, इस तरह का स्टाफ जो हम बोलते हैं। ठीक है जी, इसी को इसी अगर हम बात करें टेलीस्कोपिक स्टाफ की, इसके एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रास हील्स का भी इसमें भी प्रयोग करते हैं, ताकि इसके एंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है जी, तो 0 रीडिंग्स होती है स्टाफ एट द बॉटम ऑफ दिस हील, जो हील प्रोवाइड करते हैं इसमें, एक ब्रास हील प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें उसकी जो वहाँ पे ग्रेजुएशन होती हैं वो 0 ही होती हैं। ठीक है जी, तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें फोल्डिंग स्टाफ की, तो फोल्डिंग स्टाफ क्या रहता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फोल्डिंग स्टाफ, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सॉफ्ट विद टेलीस्कोपिक स्टाफ और रुड़की पैटर्न स्टाफ। नेक्स्ट हमारे क्या है रहेगा, फोल्डिंग स्टाफ। तो फोल्डिंग स्टाफ जो रहेंगे उसके बारे में भी जानेंगे, और जो हमारा इनवर्ट प्रिसिजन स्टाफ है उसके बारे में देखेंगे क्या रहेगा, और जो सेकंड हमारे रहते हैं लेवलिंग स्टाफ जो है टारगेट स्टाफ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारा फोल्डिंग स्टाफ क्या होता है, इनवार प्रोसीजन स्टाफ क्या रहते हैं, और टारगेट स्टाफ क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम उनकी जो ग्रेजुएशंस हैं और जो उसकी डिमेंशंस रहेंगी उसके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।